ये स्कोडा लॉरा है, इसके अंदर पावर स्टीयरिंग का फॉल्ट आ रहा है, बहुत टाइट है। अभी अगर मैं इसको चालू करता हूँ तो ये जो है स्टीयरिंग बहुत टाइट है और स्टीयरिंग का लाइट जा नहीं रहा। इसको हम जेड एक्सेस की वायरिंग, स्टीयरिंग रैक की वायरिंग को डायग्नोस करेंगे। ये हमने जेड एफ का सेटअप लगा दिए हैं और ये इसका स्टीयरिंग का रैक है, ये मॉड्यूल और ये है वायर। इसके अंदर हम चेक करेंगे पॉजिटिव वायर आ रहा है, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मैंने लगाया, इसमें पॉजिटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है क्या? ये हमने लगाया, ये देखिए इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ रहा है। ये जेड एक्स से फायदा ये हो जाता है कि एक ही वायर से हम नेगेटिव और पॉजिटिव पता लगा सकते हैं। इसके बाद मैं जाता हूँ इसमें ऑसिलोस्कोप पे। ये ऑसिलोस्कोप में गया, ओके दबाया, इसमें तीन वायर है, एक पॉजिटिव रहेगा और दो केन के वायर रहेंगे। ये मैं इसको केन का वायर लगाता हूँ, ये मैंने केन का वायर लगाया, ये हो गई लो केन। ये ऑरेंज में, ये देखिए ये लो। अब उसके बाजू मैं लगाता हूँ सेकंड, इसमें ये मैंने ब्राउन पे लगाया, ये देखिए हाई केन ऊपर की तरफ, ये ओके है। इसके बाद अगर मैं ये ब्लैक वायर में अगर लगाता हूँ, ये देखिए ये वोल्टेज आ गया। यहाँ से हमारी वायरिंग बिल्कुल ओके है, ये मॉड्यूल खराब है। थैंक यू।